निर्दयी और निष्ठुर सरकार मैंने नहीं की। शर्म आ रही है मुझे आज उस बात की आलोचना करते हुए कि कफन पर भी ये सरकार जीएसटी से पैसा लेकर अपना खजाना भरती है। ऑक्सीजन जिसके लिए तिल तिल कर मरे लोग उस पर 12% टैक्स लगा रखा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जहां ऑक्सीजन नहीं है जिससे मरीज को बचाया जा सकता है उस पर 12% टैक्स लगा। कहते हैं हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजर पर 18% ले जाए, दवाइयों पर 12%। क्या हो गया इस सरकार को? क्या 3 महीने के लिए कोरोना से जुड़ी जो भी दवाइयां, इंजेक्शन या सैनिटाइजर थे, ऑक्सीजन कफन पर तो कम से कम ये सरकार 3 महीने के लिए रोक लेती? पर शायद भाजपा के पास मोह माया और कहीं से भी जीवन के प्रति हृदय की भावनाएं नहीं है। कभी सोचा उनके बारे में जो 2 महीने 2.5 महीने से आप ही ने लगा रखा है एक तरह से कर्फ्यू, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, वो मर जा रहे हैं तो उनके कफन की चोरी हो रही है, कफन पर टैक्स लगाया जा रहा है। 2 महीने 3 महीने अगर न लगता तो क्या बिगड़ जाता है इस सरकार का? मैं कहूंगा मैंने ऐसी निर्दयी सरकार इसके पहले कभी नहीं है।